सो वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने दो क्वेश्चन डिस्कस किया था, आज हम लोग इसका थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगेन बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में भी यही बोला गया है कि हमको ये चेक करना है कि ये जो गिवन सीक्वेंस हमको दिया है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसका कॉमन डिफरेंस बताना है और उसके बाद उसके आगे के तीन टर्म बताने हैं। तो अगेन चलिए हम लोग सबसे पहले ये वो जो पहला टर्म दिया है उसको हम लोग A1 बोलते हैं, ये जो दूसरा टर्म दिया है इसको A2 बोलते हैं, ये जो तीसरा टर्म दिया है उसको A3 बोलते हैं, और ये जो चौथा टर्म दिया है बच्चों उसको हम लोग A4 बोलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, इसमें से इसका डिफरेंस निकालेंगे यानी कि A2 माइनस A1 निकालेंगे। वैसे ही हम लोग A3 माइनस A2 भी निकाल लेंगे, A3 माइनस A2। वैसे ही हम लोग A4 माइनस A3 भी निकाल लेंगे, A4 माइनस A3। और अगर ये डिफरेंस तीनों का तीनों में सेम आ गया तो मैं बोलूंगा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, नहीं तो नहीं है। तो चलिए A2 का वैल्यू -3.2 दिख रहा है को हमको माइनस करना है। किसके साथ माइनस करना है, देखिए यहां पर -1/2 लिखा है तो मैं इसको -1.2 लिख रहा हूं, ठीक है -1.2। अभी देखिए यहां पर ये माइनस और ये माइनस मिलाकर के प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -3.2 +1.2। अब फाइनली एक माइनस है मेरे पास और एक प्लस है मेरे पास, तो माइनस प्लस और क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो अभी हम दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखो माइनस कैसे करते हैं, 3.2 को माइनस करेंगे 1.2 के साथ, तो 2 और 2 माइनस होकर 0 हो जाएगा, और 3 में से 2 माइनस करेंगे, सॉरी 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2। तो फाइनली यहां पर आया 2.0, तो 2.0 को हम लोग 2 बोल सकते हैं बच्चों। और क्योंकि 3.2 और 1.2 में बड़ा जो है वो 3.2 है और उसमें माइनस का साइन है, इसलिए मैं इसको माइनस में लिखूंगा। तो यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है बच्चों वो नेगेटिव आ रहा है। वहीं पर चलिए हम लोग A3 माइनस A2 निकालते हैं, तो A3 जो है बच्चों वो है -5.2 को माइनस करना है किसके साथ, A2 के साथ। तो A2 का वैल्यू क्या है, -3.2 बराबर -5.2 को मैं एज इट इज लिख रहा हूं, और यहां पर देखो फिर से माइनस माइनस मिला करके प्लस हो जाएगा ये, और ये 3.2। अब 5.2 में 3.2 अगेन माइनस करते हैं बच्चों हम लोग, 5.2 में 3.2 अगेन माइनस करते हैं क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहां पर आ जाएगा 0 और यहां पर आ जाएगा 2.0। तो फिर से हम लोग इसको 2.0 को 2 लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इन दोनों में जो बड़ा है, यानी बड़ा कौन सा है, 5.2 बड़ा है, तो उसमें माइनस का साइन है, तो इसलिए यहां भी मैं माइनस का साइन लगा रहा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं A4 माइनस A3 का, देखो ये दोनों तो बराबर आ गए, चलो एक बार और A4 माइनस A3 भी निकाल करके देख लेते हैं। तो -7.2 को माइनस करना है किसके साथ, -5.2 के साथ। फिर से -7.2 को मैं एज इट इज लिख रहा हूं, और ये माइनस माइनस मिला करके बच्चों +5.2 हो जाएगा, फिर से माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, और अगेन मैं इन दोनों को माइनस करूंगा बच्चों, आप खुद माइनस करके देख सकते हैं, तो ये -2 के ही बराबर आएगा। तो यहां पर जो डिफरेंस था वो सेम था, यहां पर लिख देते हैं हियर द डिफरेंस, द डिफरेंस इज सेम, अगर डिफरेंस सेम है सो द सीक्वेंस इज एन AP, जो सीक्वेंस है वो क्या है, AP में है। अगर ये AP में है बच्चों तो इसका कॉमन डिफरेंस बताने के लिए बोला था, कॉमन डिफरेंस को मैं CD लिख रहा हूं, ठीक है, इसको D से डिनोट करते हैं एक्चुअली में। तो CD कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, तो ये जो डिफरेंस हम लोग निकाल रहे हैं बच्चों बार बार जो -2 के बराबर आ रहा है, यही तो कॉमन डिफरेंस है, इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूं -2। सो कॉमन डिफरेंस किसके बराबर आ गया बच्चों, -2 के बराबर। अब एक इसका और स्टेप है जिसमें हम लोगों को तीन और टर्म निकालने हैं। तो हमारे पास देखो A4 था, तो अब हम लोग A5 निकाल लेते हैं, A6 निकाल लेते हैं और A7 निकाल लेते हैं। A5 जब भी हम लोग को निकालना हो, जब भी कोई भी टर्म निकालना होता है तो उसके पहले टर्म में, यानी कि A5 से पहले कौन सा टर्म आएगा, A4 में हम लोग क्या कर देंगे, D को ऐड कर देंगे। जैसे A6 निकालना है तो A6 से पहले क्या आएगा, A5, तो A5 में मैं D को फिर से ऐड कर दूंगा। और A7 अगर निकालना होगा तो A7 के लिए मैं A6 कर दूंगा और प्लस में फिर से D कर दूंगा। सो अब A4 का वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में ही दिया था, विच इज इक्वल टू -7.2 को प्लस करना है, किससे प्लस करना है, D क्या था, -2 था। अभी देखिए यहां पर -7.2 को मैं एज इट इज लिख रहा हूं, और यहां पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बच्चों, तो ये माइनस हो गया।
अब देखिए यहां पर मेरे को दो माइनस नजर आ रहा है, दो माइनस यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो अब हमको इसको प्लस करना। तो देखिए मैं यहां ऊपर में प्लस कर रहा हूं, 7.2 को मेरे को ऐड करना है किसके साथ, 2 के साथ, तो 2 को 2.0 लिख सकते हैं, क्योंकि 2.0 को मैंने 2 लिखा था, तो 2 को 2.0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 9, तो ये आ गया बच्चों 9.2, क्योंकि दोनों में बड़ा 7.2 है और 7.2 में माइनस का साइन है, इसलिए मैं क्या लगा दूंगा, माइनस का साइन लगा दूंगा। वहीं पर जब मेरे को A6 निकालना होगा बच्चों, तो A5 चाहिए, तो A5 देखो हमने अभी निकाला है, ये 9.2, तो ये 9.2 को मैं यहां पर रख रहा हूं, ठीक है। 9.2 प्लस D का वैल्यू कितना था, तो D का वैल्यू -2 था, -9.2 था ना, ओके। अभी देखिए बच्चों, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी इन दोनों को फिर से हम लोग ऐड करने वाले हैं। तो ऐड जब करेंगे इन दोनों को, तो फिर से यहां पर मैं साइड में ऐड कर देता हूं, देखिए 9.2 को ऐड कर रहा हूं 2 के साथ, तो 2 को मैं 2.0 लिख सकता हूं, और इन दोनों को जोड़ूंगा बच्चों तो मेरे को 11.2 दिखेगा, ठीक है। तो यहां पर 11.2 लिख रहा हूं, क्योंकि बड़ा 9.2 है और उसमें माइनस का साइन है, इसलिए मैं माइनस लिख रहा हूं। अब मैं A7 निकालूंगा, A7 निकालने के लिए मेरे को A6 की जरूरत है, और A6 मैंने अभी अभी निकाला है, विच इज इक्वल टू -11.2 प्लस डी का वैल्यू जो है वो -2 के बराबर है, ओके। अब इन दोनों को मैं अगर ऐड करूंगा बच्चों, आप लोग साइड में खुद ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -13.2। सो A6 भी हमने, A5 भी हमने निकाल लिया, A6 भी हमने निकाल लिया, और A7 भी हमने निकाल लिया, तो तीन टर्म हम लोगों को निकाल लेते हैं।